वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत बजट पर काबीना का खुसूसी इजलास खत्म हो गया। काबीना ने नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत यह इजलास जारी था जो कि अब खत्म हो चुका है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास बताइएगा, फाइनेंस बिल इसकी मंजूरी दे दी गई है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुआ। उस इजलास में बजट पेपर और फाइनेंस बिल 2021 पेश किया गया। तफसीली तौर पर शौकत तरीन की तरफ से इजलास में जो बजट और फाइनेंस बिल 2021 है उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया और वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 2021 की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना के इजलास में तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी भी दी गई है, जबकि मोबाइल फोन पर टैक्स लगाने की मंजूरी भी आज के इजलास में दी गई है। फाइनेंस बिल 2021 वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जो कि इमरान खान की ज़ेर सदारत था उसमें मंजूर कर लिया गया है। अपडेट से शुक्रिया अब्बास। समा का वज़ीरे ख़ज़ाना शौकत तरीन से सवाल पूछा कि इस बार बजट से गरीब खुश होगा, उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। सर सुना है बड़ा अच्छा बजट आ रहा है इस दफ़ा, इंशाल्लाह दे दो भाई। गरीब खुश होगा सर बजट सुन के आज? बहुत खुश होगा इंशाल्लाह। सर सुना है बड़ा अच्छा बजट आ रहा है इस दफ़ा, इंशाल्लाह दे दो भाई। तो गरीब खुश होगा सर बजट सुन के आज? बहुत खुश होगा इंशाल्लाह।